तो आज हम बेसिकली बात करेंगे जो पीरियड है 1857 से लेकर 1947 तक, मतलब इसको हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ऑब्वियसली इस सारे को तो नहीं कवर करेंगे, इसके लिए हमें दूसरा लेक्चर चाहिए होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ इसका जो हिस्सा होगा उसको आज हम देख लेंगे, जो बेसिकली जो होगा हिस्सा उसको हम देख लेंगे। तो ये जो है ना स्टार्ट होता है बेसिकली सर सैयद अहमद खान से। हम इसको सर सैयद अहमद खान से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो 1857 के अंदर, तो सॉरी 1857 के अंदर हमारे पास क्या होता है, जंगे आज़ादी के अंदर जो है वो क्या हो गया है, आपका सारे का सारा जो है वो सारे का सारा मलबा जो है वो मुसलमानों के ऊपर डाल दिया गया। हम अगर इसको मुताले पाकिस्तान की जुबान में इसके ऊपर बात करें तो सारे का सारा जो केस है वो किसके ऊपर आ गया, वो आ गया मुसलमानों के ऊपर के जी मुसलमान जो हैं जी वो सारे के सारे जुम्मेदार थे इस सब को करने में, जंग आज़ादी अंग्रेज़ों के खिलाफ लॉन्च करने में, इसको इस हद तक पहुंचाने में। 1857 के बाद हिंदुओं ने कंसाइल कर लिया, खुद को एडजस्ट कर लिया नए एनवायरनमेंट के मुताबिक। उनके पास पहले मुसलमान जो थे वो उनके रूलर्स थे, अब उनके रूलर जो हैं वो अगर इंग्लिश बन गए हैं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, उनको तो कोई मसला नहीं है, वो तो पहले भी महकूम थे अब भी महकूम है। मुसलमानों ने जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया इंग्लिश को, वो अंग्रेजी जुबान को ही कहते थे कि ये हमारे दीन के खिलाफ साजिश है। तो इस दौर के अंदर सर सैयद अहमद खान की वो खिदमात है जिन्होंने देखा और जिन्होंने पहली दफा आइडिया दिया कि मुसलमानों को अगर सर्वाइव करना है तो नए हालात से एडजस्टमेंट करनी होगी, और उस एडजस्टमेंट को इन लोगों को उस एडजस्टमेंट को इस तरह से आप कह लो कि देखना होगा कि नए अदवार में नई चीजों को सीखना होगा। इनकी तारीख पैदाइश पूछ ली जाती है 17 अक्टूबर 1877, और ये दिल्ली के अंदर ये फौत हुए 1898 में। सब जज के तौर पे काम किया, सदर उल सदूर रहे जिसको चीफ जज भी कह सकते हैं 1855 में, और इनकी बुक है सबसे पहले ये जब दिल्ली के अंदर तैनात थे तो इन्होंने आसारे सनादीदे दिल्ली, ये दिल्ली के हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव के ऊपर बुक लिखी गई थी। फिर इन्होंने 1859 में कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट जो एक रसाला लिखा, बुक लिखी जिसमें इन्होंने कॉजेस बताई कि ये मुसलमान इन्वॉल्व नहीं थे, सारी कम्युनिटीज थी और इसमें अंग्रेजों का भी हिस्सा था, अंग्रेजों का भी मतलब इसमें कसूर था कि वो क्यों जो है जी वो इस कदर गासब हुए, या इस तरह आप कह लो कि वो क्यों उन्होंने इस हद तक लोगों को लेके गए कि लोग उनसे इस कदर मुतनफर हो गए उनकी टैक्सेशन पॉलिसीज की वजह से, उनकी सारी वजह से कि वो जी उनको यक एक पूरी तरह से ही उनको उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। फिर इन्होंने मुरादाबाद में पहला मदरसा इन्होंने कायम किया 1859 में, फिर 1860 में लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, गाजीपुर में मदरसा 1864 में बनाया। अब ये टाइम लाइन है और ये वो एमसीक्यूज है जो पास पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, आपने इनको ईयर के साथ याद रखना है। मुरादाबाद से शुरू करो, गाजीपुर में आ जाओ, गाजीपुर में ही फिर इन्होंने गाजीपुर से ही आगे 1864 में इंडियन इंस्टीट्यूट गजट के नाम से जो है वो एक रसाला निकाला जिसकी खास बात ये थी कि इसके इसमें ना इन्होंने दो हिस्से होते थे, एक उर्दू साइड होती थी एक कॉलम की, एक मजमून की और इंग्लिश, कि लोगों को जदीद अलूम की तरफ रागब किया जाए, और साइंटिफिक सोसाइटी ट्रांसलेशन भी करती थी अंग्रेजी की अहम किताबों का, उर्दू के अंदर तर्जमा भी करती थी। इसकी रुकनियत मुसलमानों तक महदूद नहीं थी, गैर मुस्लिम भी इसमें रुकनियत हासिल कर सकते थे। फिर इनकी जिंदगी का अहम वाक्या जो है वो इनका लंदन जाना भी है, जहां पे इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के निजाम को देखा। 1869 में ये गए, इनके बेटे को स्कॉलरशिप मिला महमूद को, उसके साथ इन्होंने सफर किया। 1870 में ये वापस आ गए, वापस आके फिर इन्होंने ये वाला जो था ना वो रसाला स्कूल कायम किया अलीगढ़ स्कूल में, अलीगढ़ के नाम से एमओ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़।
ये 75 में बना, 77 के अंदर ये कॉलेज हुआ। जब कॉलेज हुआ तो लॉर्ड लिटन जो थे उस वक्त के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने आके इसका इफ्तिताह किया। ये 1876 में रिटायर्ड हो गए सिविल सर्विस से, और एक रिसाला इन्होंने तहजीब इखलाक के नाम से 1870 में निकाला। फिर इसी तरह आप इनके इनको ये क्रेडिट दे सकते हो कि ही ऑल्सो रोड लाइफ ऑफ मोहम्मद एसेजन। ये यहाँ पर से हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, आपको उसमें फिर मजीद इसकी डिटेल जो है वो देते हैं। हाँ जी, लाइफ ऑफ मोहम्मद के नाम से जो इन्होंने किताब लिखी, ठीक है, उसमें ये विलियम म्योर की किताब थी। आपने उनके जवाब में एसेज लिखे। उन्होंने विलियम म्योर जो था ये इसने कुछ गुस्ताखाना कलमात के किताब लिखी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है गुस्ताखी, तो उसका जवाब इन्होंने दिया तो एसेज की शक्ल में, मजामीन की शक्ल में। तो वो बड़े पॉपुलर हुए और वो बड़े मुदल्लल किस्म के थे। इसमें फिर ये वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो काउंसिल आप ऐसे कह लो कि उसकी एक तरह से कैबिनेट थी, जिसके अंदर कुछ हुकूमती शख्सियात ऐसी जो इंडियंस थे कुछ इंग्लिश थे वो होते थे, जो वायसराय को लेजिस्लेट करने के लिए हेल्प करते थे कुछ कवानीन के अंदर। फिर इन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियाद रखी। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये था कि सालाना ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाके ये इजलास करते थे ईयरली। इन इजलासों के अंदर क्या होता था कि ये लोगों को एजुकेशन की तरफ, कि मुसलमानों को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, ये इस तरफ इनको रागब करने की कोशिश करते थे। और ये जो हमारा मुस्लिम लीग बाद में जाके बनती है ना 1906 में, उसका जो नुक्ता आगाज है या जो कह लो कि जिस फोरम से बनती है, वो इसी की सालाना इजलास होता है ढाका के अंदर, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए होते हैं मुस्लिम लीडरों, कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनानी चाहिए, तो वो जिसके ऊपर फिर वो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये इनको सर का टाइटल 1888 में मिला और 1898 में ये फौत हो गए। तो इनके बाद जो है ये सेक्रेटरी भी थे अलीगढ़ के, पहले अलीगढ़ कॉलेज के पहले सेक्रेटरी जनरल रहे। इनके बाद सेक्रेटरी जनरल का एक क्वेश्चन आता है जो मुझे अभी याद नहीं है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे या शौकत अली जौहर, तो इनमें से कोई एक इनके बाद सेक्रेटरी बनता है। फिर एक एमसीक्यू इनके हवाले से याद रखिएगा, ही वॉज द पर्सन के जिन्होंने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ना जी, ये 1885 में ना बन गई थी। ए ओ ह्यूम नामी एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट था, उसने इसकी बुनियाद रखी थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखने का मकसद ये था कि लोगों का जो गुस्सा है ना वो यहाँ पे निकल जाए इसके इजलासों में, वो पहले की तरह बगावत ना करें। लेकिन इसका एजेंडा शुरू से ही हिंदू ओरिएंटेड था, तो अली इनको पता लग गया था, अपने सरसैयद साहब को, सरसैयद साहब को पता ये लग गया था कि यार ये जो लोग हैं ना ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों का फायदा हो। मुसलमान अगर अभी पॉलिटिक्स में आ गए तो ऑल इंडिया कांग्रेस जो है वो उसकी तो सरगर्मियां जो है वो जहर है, आज नहीं तो कल वो किस जानब जाएंगी, वो डेमोक्रेसी को चाहेंगी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेजोरिटी रूल होता है, जो ज्यादा वोट जिसके उसकी हुकूमत, तो ज्यादा वोट किसके हैं, वो इनके हैं हिंदूज के हैं। तो इन्होंने, ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहो। इन्होंने पूरे मुसलमानों को जहाँ भी ये गए इन्होंने कहा कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहो। इन्होंने कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जलसे में शिरकत नहीं की, इनको आती रही हैं बार बार, इनको आते रही हैं इनविटेशन, लेकिन ही डिडंट पार्टिसिपेट। फिर एक एमसीक्यूज आता है कि व्हाट वाज द ओकेजन, ये भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायल थे, ठीक है, बहुत बड़े चैंपियन थे, कायल क्या थे, बहुत बड़े चैंपियन थे। तो ये ना हिंदू उर्दू हिंदी तनाजा होता है 1867 में। ये उर्दू हिंदी तनाजा क्या, ये बनारस से शुरू होता है, और ये क्या होता है जी, ये असल में ये है कि हिंदू कहते हैं कि जो उर्दू है ना जी मुसलमानों की जुबान है, अरबी रस्म अल खत में लिखी जाती है। ये कहते हैं कि हिंदी को सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाए,
और नागरी जो स्क्रिप्ट है ना इसका, संस्कृत बेस्ड है वो स्क्रिप्ट। अब हिंदी और उर्दू बोलने में तकरीबन एक जैसी है, इनका लिखने का फर्क है। उर्दू को हम अरबी रस्मुल खत में लिखते हैं, और ये हिंदी जो है वो संस्कृत के ट्रांसक्रिप्ट में, रस्मुल खत में लिखी जाती है। तो इन्होंने कहा कि आप, हिंदुओं ने मुतालबा किया कि ये जी उर्दू बैन करो और इसकी जगह हिंदी को सरकारी जुबान का, मकामी दरबारी जुबान का दर्जा दिया जाए। ये 1865 में बनारस से शुरू होता है, ये एमसीक्यू बड़ा फेमस। अच्छा, इसमें ना जो यहाँ पे ये वो मौका था जब इन्होंने अपने फ्रेंड को कहा, सर सैयद ने अपने फ्रेंड, इनका फ्रेंड है शेक्सपियर, ये एक बरतानवी अंग्रेज है, ये यहाँ पे रिटायर्ड सर्वेंट था या सर्वेंट था, वो वाला शेक्सपियर नहीं है जो अंग्रेज ग्रेट शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर का, वो तो 15वीं सेंचुरी का है। ये इसको इसने कहा कि नाउ आई एम श्योर के दीज टू नेशंस कैन नेवर बी वन, या कैन नेवर लिव टूगेदर पीसफुली, इस मौके पे इन्होंने कहा। तो ये भी एक एमसीक्यूज है जिसको आपने जहन में रखना है। इसके बाद अलीगढ़ के ऊपर क्वेश्चन, कुछ जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो ये हैं जी के आप क्लियर करते हैं। अलीगढ़ स्कूल जो था जी, वो 1875 में इन्होंने, जब ये वापस आते हैं तो ये बुनियाद रखते हैं। अलीगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मौजूदा इंडिया में। ये कॉलेज 1877 में बन गया, लॉर्ड लिटन ने इसका इफ्तिताह किया जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। 1920 में ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। पहले प्रिंसिपल का पूछ लिया जाता है तो हेनरी सिडन नामी शख्स जो थे वो पहले प्रिंसिपल थे। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल सर सैयद अहमद खान थे। ये वो एमसीक्यूज हैं जो एमओ के ऊपर पास्ट पेपर्स में आए हुए है। अब जनाब हम चलते हैं इसकी अगली स्लाइड के ऊपर। अब मैंने ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इनको एक एक करके हम आगे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई है जी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। यहां तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? यार सोए हुए होते हो यार, बोला भी करो। मैं जब पूछता हूँ तो चलो कम से कम क्वेश्चन नहीं है तो वो बोल ही दो कि भाई क्वेश्चन नहीं है। मैं तो जो लगा मैं गूंगों के साथ लगा हुआ हूँ। खैर है ना, चलो शुक्र है, नो तो कहा आप लोगों ने। ओके है जी खान साहब, ठीक है जी, ओके है तो फिर चलते हैं आगे हैं। चले जी। अच्छा अब ना जी ये देख लो कि ये हमारा आ गया जी इंडियन काउंसिल्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हुआ है कि अंग्रेज जब आ गया ना जी पाक, इसमें इंडो पाक में, इसने ना पहले दिन से ही सोच लिया कि अब ना ये जहां भी गए हैं ना अंग्रेज, जहां भी इन्होंने कलोनियलाइजेशन की है, तो इन्होंने ना बिल्कुल आहिस्ता 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 जो है ना उनको, मकामी लोगों को अपने साथ शामिल करना शुरू किया। फिर थोड़ी 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 थोड़ी
तालीम के जरिए जब उनके अंदर शऊर आता गया तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनको हकूक भी देने शुरू कर दिए थोड़े थोड़े। अब सबसे पहले जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है वो 1861 में ये लेके आते हैं। इसमें ये क्या करते हैं कि ये नारा लगाते हैं दुनिया के अंदर, डेमोक्रेसी थे के हाँ अपने, ये कहते हैं कि हम यहाँ पे इनको डेमोक्रेसी सिखाने आए हैं, इनको तहजीब सिखाने आए हैं, तो देखो जी दुनिया वालों हमने ना जी इनको इंडिया वालों के लिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट बना दिए। यहाँ पे बादशाहत नहीं है अब जी इनको हमने ना किंगशिप नहीं है इनके, हम डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट बना दिया। अब जो हमारा गवर्नर जनरल होगा उसकी काउंसिल होगी जिसमें हम कुछ इंडियंस को भी लेंगे, कुछ हमारे अंग्रेज होंगे, यहाँ पे तक तो सिर्फ अंग्रेज ही थे, फिर आगे जाके यहाँ पे जाके कुछ इंडियंस को लेना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सा मजीद वसी हुआ प्रोग्राम, इंडियंस भी आ गए, इलेक्शंस आ गए, यहाँ पे आके थोड़ा सा मजीद, यहाँ पे आके तो फिर बिल्कुल ही कि इन्होंने कहा कि ये जनाब आपके सूबों में प्रोविंसेस में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के जरिए जो गवर्नमेंट बनेगी वो ही सूबों को चलाएंगी, सेंटर के ऊपर इलेक्शन होंगे, फिर वो वाली जो असेंबली होंगी वो लेजिस्लेशन करेंगी, कानून वगैरह बनाएंगी मुल्क के लिए। ये कुछ डेट्स हैं जो आप ना जहन में रखिएगा। इसके बाद जनाब हम चलते हैं उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी से स्टार्ट करते हैं। तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड मैं आपको बतला चुका पहले, वो क्या था जी कि उर्दू की जगह वो कहते हैं हिंदी को जी। बनारस कहाँ पे है? ये मौजूदा जो इंडिया की स्टेट है ना तमिलनाडु, चेन्नई, चेन्नई को जो बनारस बोलते थे। कंपेन टू, इन्होंने कहा कि उर्दू को नागरी स्क्रिप्ट से चेंज कर दो, रस्मुल खत भी उर्दू का अरेबिक है हिंदी के। 1867 में उसने अपने फ्रेंड शेक्सपियर को कहा, लेफ्टिनेंट जो पहला गवर्नर था ना बंगाल का, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे उस वक्त, उसने उसका नाम है कैम्बेल, इसने कहा कि उर्दू को, जिसने ऑर्डर कर दिया बकायदा कि उर्दू को टेक्स्ट बुक से निकाल दो। हंटर कमीशन भेजा था अंग्रेज ने इंडिया में 1882 में एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो इसने, इसके सामने हिंदुओं ने कहा कि या जी ये इसको उर्दू को निकालो एजुकेशन से, आप जो प्रपोजल्स दो गवर्नमेंट को उसमें बोलो कि हिंदी को शामिल किया जाए, नागरी को शामिल किया जाए, तो उर्दू हमारे यहाँ बिल्कुल एक अजनबी लैंग्वेज है वट एवर। तो सर सैयद ने इनको कायल किया यहाँ भी कि दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, तो उसने बताया कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसका ये कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ ये जो बता रहे हैं ये फैक्टर नहीं। विलियम हंटर कौन था? ये एक सिविल सर्वेंट था जिसकी क्यादत में ये कमीशन बना। नवाब मुसलम मुल्क है कि इसने ना उर्दू डिफेंस के नाम से एसोसिएशन बनाई कि अब जी हमें उर्दू की तहफ़ करना है, उर्दू डिफेंस एसोसिएशन। तो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एज फार एज योर उर्दू हिंदी तनाज़ा, उर्दू हिंदी इशू इज कंसर्न। अब आ जाते हैं जी बंगाल पार्टीशन पे। बंगाल पार्टीशन क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, इसको पढ़ते हैं जी। बंगाल जो है ना जी एक सूबा है बहुत बड़ा, ठीक है। उसके अंदर मौजूदा दौर के इंडिया, इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं और पूरा का पूरा बांग्लादेश पूरा ये शामिल है उस वक्त। ये एक सूबा है, आप अंदाजा लगाओ कि सूबा। अच्छा ये जो बंगाल है ना ये पोलिटिकली पूरी इंडिया की तारीख में ना पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट सूबा रहा है, ये पॉलिटिक्स में इनका और इवन के जो तहरीक पाकिस्तान है ना उसमें भी बहुत ज्यादा जो रहनुमा थे वो बंगाल से थे। तो 16 अक्टूबर 1905 डेट आपने हजम कर लेनी है, हिफज कर लेनी। बंगाल का गवर्नर जनरल है लॉर्ड कर्जन, इसने बंगाल को कहा कि जो पूरा बंगाल है ना इसको दो सूबों में तकसीम कर दो, एक वेस्ट बंगाल एक ईस्ट बंगाल। तकसीम होने से पहले इसका टोटल एरिया था 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर और टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 78 लाख के करीब थी। इसको ना जी जब दोबारा दो सूबे बने तो ओल्ड जो था ना ओल्ड, उसमें जो ओल्ड बंगाल था उसका सिर्फ एक, उसका कलकत्ता जो था ना वो उसका कैपिटल था। अब जो बंगाल बना ना नए तकसीम में वेस्ट बंगाल, इसके अंदर हिंदूज की अजारादारी थी,
जो वेस्ट बंगाल था ये अमीर था, जो ईस्ट बंगाल जिसमें मुसलमान थे ये गरीब था। जब नया सूबा बन गया बंगाल तो उसका कैपिटल बना दिया गया ढाका। अब ये हुआ फैसला कि अब हिंदूज को मसला ये बना कि ये जो नया सूबा है इसके अंदर तो भाई सारे के सारे जो फवायद हैं वो तो चले जाएंगे, मुसलमानों के पास आने शुरू हो जाएंगे और हमारी जो जो हमारी मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। अब जाहिर है जो नया सूबा बनेगा यार उसके अंदर इलेक्टेड पर्सन भी उनके होंगे, उसके अंदर जो ग्रांट्स जाएंगी, बजट जाएगा वो भी अलहदा जाएगा, उसकी जो स्कूल्स कॉलेजेस मजीद बनेंगे। अब आप अंदाजा लगाओ कि उस वक्त वहां पे कोई कोई एक ही एक कॉलेज था तकरीबन, शायद साइंस का बल्कि एक कॉलेज भी नहीं था ईस्ट की जाना। बंगाल के अंदर कुछ 16-17 थे लेकिन ईस्ट बंगाल में एक भी नहीं था। तो ये जो मुस्लिम्स के अच्छा, अब ये जो मुस्लिम्स थे मुस्लिम वर हैप्पी, मुसलमान बड़े खुश थे कि ये तो अच्छा हुआ, चलो अब ये इसमें अब इनकी अक्सरियत भी मुसलमानों की होगी। वैसे मेजोरिटी ओवरऑल मेजोरिटी हिंदूज की ज्यादा थी लेकिन अब ये नया सूबा बना इसमें मुसलमानों की मेजोरिटी ज्यादा, हिंदुओं ने भी अपोजिशन करनी शुरू कर दी इसकी, इन्होंने ना स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दी कि जो बाहर की प्रोडक्ट है ना जी इसको बाइकॉट करो। और ये वाला मौका था जहां पे कांग्रेस जो नारा लगाती थी ना जी कांग्रेस, वो कहती थी कि वी आर कांग्रेस, मैंने बताया आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते थे कि हम पूरे इंडिया की क्या है नुमाइंदा जमात है। यहाँ पे आके उनका असल चेहरा सामने आ गया, वो उन्होंने उर्दू हिंदी तनाजे में हिंदूज को सपोर्ट किया। तो अब ये पूरी इंडिया की जमात तो नहीं, ये तो सिर्फ हिंदूज की जमात है। तो क्या हुआ जी कि दिल्ली दरबार लगता है 9/11 में, तो इसमें जी इसकी जो डिवीजन है पार्टीशन है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल करके 9/11 में इसको खत्म करके कर दिया। तो मुसलमान बड़े गुस्से हुए, समीउल्लाह खान का आ जाता है ऑप्शन कि कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन था जिसने बंगाल की पार्टीशन के बाद सियासत छोड़ दी, समीउल्लाह खान। किस गवर्नर जनरल ने इसके ऑर्डर जारी किए, गवर्नर जनरल उस वक्त था हेस्टिंग्स और बादशाह उस वक्त था जॉर्ज फाइव। ये नया बादशाह, इसकी तख्तपोशी इंडिया में हुई थी मलका के फौत होने के बाद, इसकी तख्तपोशी इंडिया में हुई थी ठीक है। और यही वजह थी कि गवर्नमेंट ब्लैकमेल होगी हिंदू से कि जी हमने जॉर्ज की तख्तपोशी कर दी है, यहाँ पे ताजपोशी। तो अगर हिंदूज यहाँ पे नारे लगाते हुए आ गए तो बादशाह क्या लगेगा कि हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है। तो फिर उन्होंने हिंदूज के साथ सेटलमेंट की और बंगाल की तकसीम को वापस मोड़ दिया जी। ठीक होगी बात, अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट। अब आ गया जी हमारा शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन क्या है जी, गवर्नमेंट अब देखो कि ये इंग्लैंड है ये कंट्रोल कर रहा है इंडिया को ठीक है, इंग्लैंड इंडिया। अब जो गवर्नमेंट यहाँ पे आती थी ना वो ऐलान करती थी कि हम ये स्टेप अंग्रेज इंग्लिस्तान के इंडिया के अंदर हमारा जो सिस्टम होगा वो यूं चलेगा, इंडिया में भी बाकी जहां जहां उनकी हुकूमत थी। यहाँ पे पार्टी आ गई जी लेबर गवर्नमेंट की, लेबर पार्टी है वहां पे, उनकी गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने ऐलान किया कि हम ना इंडिया में रिफॉर्म्स मुतारफ करवाने जा रहे हैं 1905 में। तो मुसलमानों ने कहा कि यार रिफॉर्म्स आ रही हैं तो उससे पहले अपने इन जो हमारा इंडिया के अंदर इनका जो लीडर है वायसराय है गवर्नर जनरल है उसको तो अपनी बात पहुंचाओ गवर्नर जनरल को। तो सर आगा खान सोम की क्यादत में 35 मुसलमानों का ग्रुप 1 अक्टूबर 1906 को वासराय लॉर्ड मेंटो के पास गया शिमला में और उससे मुलाकात की। उस वक्त के अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्क बोल्ड ने ये मुलाकात अरेंज करवाई। मुसलमानों ने यहाँ पर क्या डिमांड किया, इन्होंने कहा कि जी हमें ना सेपरेट इलेक्टोरेट दे दे,
सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि जितनी हमारी आबादी है उसके मुताबिक जो टोटल सीटें हैं ना वो हमारे लिए मुख्तस कर दी जाएं। इसके ऊपर वोटर भी मुसलमान हो और जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं वो भी मुसलमान हो। ये एक डिमांड ऐसी है जो कि पूरे आपके पाकिस्तान की बुनियाद बनती है, क्योंकि ये डिमांड ये शो करती है कि मुसलमान एक अलहदा कौम है, और अलहदा अगर कौम है तो भाई उनका अलहदा वतन भी होना चाहिए। ठीक हो गई बात। तो ये दूसरी डिमांड थी कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक हमें नुमाइंदगी दी जाए। लॉ मैरी मिंटो उसकी बीवी है जो बाद में एक किताब लिखती है, उसमें ये जिक्र करती है कि ये शिमला डेपुटेशन एक बहुत अच्छा था, ये हो गया। ये इनकरेजिंग रिस्पॉन्स था, और जो जो मुसलमानों ने इसमें डिमांड की ना, तो वो 1909 में जो इन्होंने अपना रिफॉर्म्स ने इंडिया के अंदर उसमें एक्सेप्ट कर ली, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए रख दिया। तो एक एमसीक्यूज ये भी आता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट रिफॉर्म्स वर एक्सेप्टेड, पहली दफा जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो कब एक्सेप्ट किए गए डिमांड मुसलमानों की, तो वो की इन्होंने शिमला डेपुटेशन के जरिए, और एक्सेप्ट कब हुई 1909 में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी लास्ट, आज का हमारा टॉपिक है वो है जी आपका मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों की नुमाइंदा जमात कब बन गई, 1885 में। वो दावा क्या कर रही है कि ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, उर्दू हिंदी तनाजे में भी हिंदुओं का साथ दिया, बंगाल पार्टीशन के खिलाफ भी इंडिया का साथ दे रहे हैं। तो एक अब जी मुसलमानों ने फैसला किया, और फिर मुसलमानों ने देखा कि यार जब हम लॉर्ड मिंटो से मिले हैं ना तो पॉलिटिकली हमें ग्रुप बन के गए, अगर हम एक पार्टी बना लें, पार्टी अपनी डिमांड करे तो देखो कितना अच्छा है, हमारी बात को वेटेज मिलेगा। तो जी ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सालाना जलसा होता है ढाका में 1906 में, तो इसमें से चंद कायदीन नवाब समीउल्लाह खान जो कि मुस्लिम लीडर हैं बंगाल के, उनके घर चले जाते हैं। वहां पे जाके ये रेजोल्यूशन पेश करते हैं नवाब सलीमुल्लाह खान के, यार एक तंजीम बनाते हैं मुसलमानों पर। वो नेम नवाब सलीमुल्लाह खान ने दिया कि इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखते हैं। मीटिंग को प्रिजाइड वकारुल मुल्क ने किया, तो 30 दिसंबर 1906 को जी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो जाती है ढाका के अंदर, और फर्स्ट प्रेसिडेंट सरागा खान, वैसे सरागा खान बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं लेकिन पीपीएससी के पेपर्स के अंदर सरागा खान ही आते हैं, तो आपने भी सरागा खान, पहले सेक्रेटरी जनरल नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि आपके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पूछ करते हैं। याद रखें कि मुस्लिम लीग को आपने हमेशा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पढ़ना है, बिफोर पार्टीशन ऑल इसका पूरा नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। तो ये वो फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, और इसकी कुछ डिटेल्स अगली स्लाइड में भी हैं जो मैं अभी आपके सामने लेके जा रहा हूँ। तो वो ये है जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट आगा खान, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल मोहसिन मुल्क, फर्स्ट सेशन इसका कब होता है, 29-30 दिसंबर कराची में। वो जो सेशन नहीं था वो बनी है 1906 में, सेशन कराची में, जिसको प्रिजाइड करते हैं एडम जी, और उसके बाद अगला सेशन मार्च 1908 में होता है अलीगढ़ में, जस्टिस शाह दीन इसको प्रेजेंट करते हैं। सेकंड प्रेसिडेंट आपको मिसिंग है, मेरे भी जहन में नहीं है, आपने इसको सर्च कर लेना है, लेकिन अभी कभी पूछा नहीं गया वैसे। सेकंड सेक्रेटरी जनरल हुसैन दिलग्रामी है। लंदन मुस्लिम लीग का बहुत दफा एमसीक्यूज आया कि मुस्लिम लीग की लंदन ब्रांच जो है वो तो सैयद अमीर अली ने बनाई थी। जिना साहब 1913 में इसको जुना करते हैं, परमानेंट प्रेजिडेंट ये 1934 से आगे ऑनवर्ड जिना साहब बन जाते हैं मुस्लिम लीग के। फातिमा जिना 1938 में, थोड़ी सी कंट्रीवर्सी है 1934 और 1938 में, लेकिन 1938 हम मानेंगे कि 1938 में वो ज्वाइन करती हैं। चलिए ये रिफॉर्म्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए मुझे ये बताएं कि यानी